हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है। और ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के आज हम लोग क्लिनिकल एंड फंक्शनल स्टेजिंग की बात करेंगे। और अभी जो रिसेंट स्टडी है जो पासी इट्टल के द्वारा जो आर्टिकल है 2017 में जो ये स्टडी आया है, तो उसके हिसाब से ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस का किस प्रकार से ग्रेडिंग किया गया है। तो ग्रेडिंग 3 कैटेगरी में को मिला करके किया गया है इस आर्टिकल के द्वारा, जो कि अभी रिसेंट स्टडी है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस का। तो यहाँ पे ये तीनों कैटेगरी जो मिलते हैं, जिसमें कि क्लिनिकल स्टेजिंग, फंक्शनल स्टेजिंग एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल इवेल्युएशन। तो अभी हम लोग सिर्फ दो कैटेगरी की बात करेंगे, जिसमें कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पेशेंट के माउथ के अंदर कैसा होना चाहिए, प्लस जो फंक्शनल स्टेजिंग है वो किस रेंज का होना चाहिए। तो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में जो है माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड होती है पेशेंट की, और इसके जो ग्रेड 1 स्टेज है उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि ये ग्रेड 1 ओएसएफ है। तो इसके लिए 3 क्राइटेरिया है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ दो पे बात करेंगे, क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन है वो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करना चाहते, क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हमें जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अभी जो हम लोगों के माउथ के अंदर जो चेंज आता है, जो सिंपली हम समझ सकते हैं, या फिर रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग किस लेवल से होता है, उन दो टॉपिक पे अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ की जो रिस्ट्रिक्शंस है माउथ की, वो किस लेवल से यहाँ पे मेजरमेंट होता है। तो जो इंटर इंसाइजल डिस्टेंस है माउथ का, वो ग्रेड 1 में जो फंक्शनल स्टेजिंग है वो लेस 35 mm या 35 mm से ज़्यादा भी हो सकती है माउथ ओपनिंग। तो अगर आपकी माउथ ओपनिंग 35 mm कम से कम पहुंच रही है, तो इसे हम लोग फंक्शनल स्टेजिंग 1 में रखते हैं। और यहाँ पे जो पेशेंट का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है माउथ के अंदर, वो इन जनरल जो है, जो माउथ ओपनिंग है पेशेंट की 35 mm है, तो पेशेंट को ज़्यादा कंप्लेन नहीं रहता माउथ ओपनिंग का। प्लस पेशेंट के जो म्यूकोसा है उसमें बहुत हल्की सी ब्लेंचिंग आती है, जबकि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में जो पिंक म्यूकोसा है वो धीरे धीरे वाइट होने लग जाती है गाल की सतह। लेकिन जो ग्रेड 1 है उसमें गाल की सतह में ज़्यादा बदलाव नहीं आता है, और वो ज़्यादा ब्लेंच नहीं होती है, वेरी माइल्ड लेवल पे ब्लेंचिंग होती है। माउथ ओपनिंग भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है। प्लस जो पाल्पेबल बैंड है, जिसे हम लोग कहते हैं फाइब्रोटिक बैंड, गांठे पड़ जाना, तो वो भी जो है वो इसमें ग्रेड 1 में नज़र नहीं आता है, या हम पालपेट नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो इनिशियल सिम्टम ऐसे पेशेंट जो ग्रेड 1 में है उनको क्या हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट को जिसमें कि जो ग्रेड 1 में है और उनकी माउथ ओपनिंग 35 mm या उससे भी ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट का सिम्टम्स जो है सिर्फ और सिर्फ बर्निंग सेंसेशन का होता है, या फिर ड्राइनेस ऑफ माउथ का होता है, या समटाइम अल्सरेशन या एस्टोमेटाइटिस से हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेड 2 की। तो ग्रेड 2 में भी तीनों क्राइटेरिया आता है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजिकल यानी कि माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन की बात नहीं करेंगे। ग्रेड 2 में भी जब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो माउथ ओपनिंग है पेशेंट की वो लेस देन 35 mm होती है। लेस देन 35 mm मीन्स 25 से 35 mm के बीच में जो फंक्शनल स्टेजिंग है माउथ ओपनिंग की वो रहेगी। और यहाँ पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हम बात करें, तो यहाँ पे जो माउथ के अंदर जो है 1/3 से ज़्यादा एरिया यहाँ पे कवर होता है फाइब्रोसिस के इफ़ेक्ट से। तो यहाँ पे जो प्रीमोलर रीजन है वहाँ तक इफ़ेक्ट हो सकता है, या यूँ कहें कि जो ब्लेंचिंग है वो क्लियरली विजिबल होगा ऐसे पेशेंट में। आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपकी जो म्यूकोसा है, जो गाल के अंदर की सतह है, वो वाइटिश दिख रही है, वो पिंक नहीं दिख रही है। प्लस जो बैंड है फाइब्रोटिक बैंड, अगर आप अपने फिंगर से गाल की सतह को टच करेंगे तो वहाँ पे आपको गांठें महसूस होगी, जो फाइब्रोटिक बैंड है वो आपको क्लियरली महसूस होगा। तो इस कैटेगरी को हम लोग ग्रेड 2 में रखते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं ग्रेड 3 की। तो ग्रेड 3 में क्या है कि मोर देन 2/3 एरिया जो है ये आपका कवर रहेगा। तो मोर देन 2/3 एरिया जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो कहाँ तक जाएगा, तो इसमें मैं बता दूँ कि जो आपका लिप रीजन है, जो लिप की लोअर लेबियल लिप म्यूकोसा होती है, वहाँ पे भी आपको गांठें महसूस होंगी, वो भी हार्ड हो जाएगा। प्लस जो फ्लोर ऑफ माउथ है, जब आप जीभ को ऊपर तालू में ले जाएंगे तो फ्लोर ऑफ माउथ में भी आपको वहाँ पे गांठें महसूस होंगी। जो फॉसिल पिलर है,
जो पीछे की तरफ रेट्रोमोलर रीजन है वहाँ पे भी आपको इन्वॉल्व रहेगा फाइब्रोसिस, प्लस ब्लैंचिंग जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे विजिबल होता है, जो पिंक म्यूकोसा बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगा, जो सॉफ्ट पैलेट होती है वो भी हार्डर महसूस होगी, और ऐसे पेशेंट को अल्सरेशंस, वेसाइकल फॉर्मेशन या दाने बनना, उसमें पानी भरना या उसका फूटना, ये भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये जो ग्रेडिंग है इसमें मोर देन 2/3 एरिया आपका कवर हो रहा है। प्लस जो कई बार क्या होता है, पेशेंट का जो उबला है, जहाँ जब जब आप आ करेंगे बड़ा सा, तो वहाँ पे जो उबला होता है बीच में, जो जो पिंक कलर का सॉफ्ट टिश्यू जो लटका हुआ मिलता है वो श्रंकन हो जाएगा, मीन्स जो उसका साइज है वो श्रिंक हो जाएगा, तो वहाँ पे उबला में भी फाइब्रोसिस हो जाता है, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट और प्लायबल होना चाहिए, बट वो भी धीरे धीरे फाइब्रोटिक हो जाता है और वो हार्डर हो जाता है, सॉफ्ट पैलेट हार्डर हो जाता है। तो इस तरह से जो चेंजेज है ग्रेड 3 में वो ज़्यादा मात्रा में होता है, मोर देन 2/3 होता है। अब यहीं पर हम लोग फंक्शनल स्टेजिंग की बात करें, मीन्स माउथ ओपनिंग की बात करें, तो लेस देन 25 mm आपकी माउथ ओपनिंग हो सकती है, और यूं कह लें कि जो रेंज है वो 15 से 25 mm के बीच में लाई करता है। तो इन दोनों स्टेजिंग, फंक्शनल स्टेजिंग, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अलावा माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन को भी अगर हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे भी वैस्कुलैरिटी बहुत कम हो जाती है। तो इन इन सब से मिलके ग्रेड 3 बन जाता है, और ग्रेड 3 में पेशेंट का जो है जो फीचर है वो धीरे धीरे, अगर हम लोगों ने हैबिट को क्विट नहीं किया, प्लस अगर हम इलाज नहीं ले रहे हैं और फ्रिक्वेंट तरीके से हम जैसे चबा रहे होते हैं गुटखा, वो चबा रहे हैं, तो ये जो हमारा जो डिजीज़ है वो सीवियर की तरफ ही जाएगा। तो अब जो है ग्रेड 4 की बारी होती है, तो ग्रेड 4 में क्या होता है कि आपकी जो माउथ ओपनिंग है, जिसको हम लोग फंक्शनल स्टेजिंग कहते हैं, वो लेस देन 15 mm हो सकती है, या कई पेशेंट ने देखा गया है कि माउथ ओपनिंग लेस देन 15 नहीं है, फिर भी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे उसमें ल्यूकोप्लेकिया टाइप का चेंज दिखने लगता है, मीन्स वहाँ पे हाइपरकेराटोटिक एपिथीलियम बनने लगते हैं, जबकि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, मीन्स जो आपकी ऊपरी सतह है उसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है, मीन्स एपिथीलियम यानी आपकी जो म्यूकोसा है उसके नीचे जो सब म्यूकोसा है उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, लेकिन ग्रेड 3 के बाद ये प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट होता है ऊपर के लेयर्स में भी, और जो आपकी एपिथीलियम है वो हाइपरकेराटोटिक हो जाती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि OSF एसोसिएटेड विथ ल्यूकोप्लेकिया। तो इस ग्रेड 4 में कई बार क्या होता है कि पेशेंट की माउथ ओपनिंग लेस देन 15 नहीं भी हो सकती है, बट अगर उसमें ल्यूकोप्लेकिया एसोसिएटेड वो प्रॉब्लम है, या फिर एरिथ्रोप्लेकिया एसोसिएटेड है, यानी कि रेड लीजन वहाँ पे बन रहा है, अल्सरेशंस हो रहा है, फ्रीक्वेंट अल्सरेशन जो कि हील नहीं हो रहा है, विथ हाइपर केराटोटिक वाइट पैच, तो ये आपको ग्रेड 4 की तरफ इशारा कर रहा है, और यहाँ पे आपका जो कंडीशन होता है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस का वो बॉर्डर लाइन का होता है। बॉर्डर लाइन इन द सेंस कि यहाँ पे अगर बायोप्सी भी मैंडेटरी हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये कह पाना मुश्किल होता है कि पेशेंट जो है वो CA में ट्रांसफॉर्म हो चुका है या नहीं हो चुका है, मीन्स स्क्वामस सेल कार्सिनोमा पे जा चुका है या नहीं जा चुका है, ये पेशेंट का बायोप्सी रिपोर्ट ही बतला सकता है। तो ग्रेड 4 में जो है उसको उस स्टेज के आने से पहले ही आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगर हम लोग इसे जैसे कि मैंने बताया कि माइल्ड जो सिम्टम्स है या स्टेजिंग है, तो ग्रेड 1 में अगर हम लोग इसे डायग्नोस कर ले इजीली, डायग्नोस करके इसे ट्रीट करते हैं, तो इसके चांसेस ठीक होने के बढ़ जाते हैं। जो सॉफ्ट टिश्यू में चेंज आया है वो रिवर्सिबल हो सकता है। इवन ग्रेड 2 में भी अगर हम लोग इलाज लेते हैं प्रॉपर तरीके से, तो भी जो सॉफ्ट टिश्यू में चेंज है वो भी रिवर्सिबल हो सकता है, बट जैसे ही हम इसे इग्नोर करते हैं तो वो ग्रेड 3 में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर ग्रेड 4 में। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को बनाने का ये मकसद है कि कई पेशेंट जो है वो पूछते हैं कि मेरा जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है ये किस स्टेज में है, तो स्टेज को हम लोग किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो इसलिए ये वीडियो आज मैंने बनाया है, और अगर टाइम से अगर आपने इलाज करवा लिया या डायग्नोसिस प्रॉपर हो गया और आप कंटिन्यूस इलाज ले रहे होते हैं, तो ये बीमारी लंबे समय के इलाज के बाद ठीक हो जाती है, रिकवर हो सकते हैं आप। बट अगर आप इसे इग्नोर करते हैं और कंटिन्यू विथ योर हैबिट, देन ये बीमारी सीवियर हो सकती है, क्योंकि ये एक
प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है जिसमें कि चांसेज है ट्रांसफॉर्मेशन इन द ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम इनिशियली है तो इसे ज़रूर अपने निकटवर्ती जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलें और आप उचित सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।